हेलो, ये हमारा चौथा वीडियो है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। तो टोटल पांच तरह का हार्मोन हम लोग पढ़े थे, आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो पांच तरीके का होता है कौन कौन, पहले हम लोग नाम जानते हैं। पहला है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, उसके बाद एब्सिसिस एसिड, और फिर लास्ट में आता है इथाइलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों का तीनों जो है वो ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रोथ में वृद्धि लाता है। लेकिन एब्सिसिस एसिड जो है वो ग्रोथ को अवरोध करता है। तो इसीलिए एब्सिसिस एसिड के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एब्सिसिस एसिड को क्या बोलते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन। फिर लास्ट में है इथाइलिन, इसको जाना जाता है फल पकाने के लिए। तो फिर बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। यह पहला हार्मोन ऑक्सिन, पादप हार्मोन है ऑक्सिन। कहाँ पे संश्लेषित होता है, संश्लेषित होने का मतलब बनता कहाँ है, तो स्तंभ के शीर्ष पे। जैसे कोई तना है तो उसके सबसे ऊपर में बनेगा, स्तंभ के शीर्ष कहने का मतलब तना के ऊपर में संश्लेषित होता है, स्तंभ के शीर्ष पे। ठीक, अब ये क्या क्या चीज़ में मदद करता है। तो सबसे पहले कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन कहने का मतलब कोई कोशिका है वो जब एक से दो बनेगा, जब कोशिका एक से दो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का विभाजन। तो कोशिका के विभाजन में कौन मदद करता है, ऑक्सिन। इसके अलावा कोशिका का दीर्घन, कोशिका का दीर्घन कहने का मतलब कोई कोशिका है जिसका साइज इतना है तो उसमें जब दीर्घन होगा तो वो उससे लंबा हो जाएगा। दीर्घ होने का मतलब बड़ा होना, तो कोशिका का दीर्घन कोशिका क्या होगा, बड़ा होगा। इसके अलावा अगर किसी भी कोशिका तना में कोशिका का विभाजन होगा और कोशिका का दीर्घन होगा तो उस तना का जाहिर सी बात है कि क्या होगा, वृद्धि होगा, उसका साइज बढ़ेगा। इसके अलावा ऑक्सिन क्या चीज़ में मदद करता है, बीज रहित फलों का उत्पादन, ऐसे फल को प्रमोट करता है, बनाने में मदद करता है जिसमें बीज नहीं हो। बीज रहित फलों का उत्पादन कहने का मतलब वैसा फल का उत्पादन करवाता है जिसमें बीज नहीं होता है। इसके अलावा ऑक्सिन, ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, तना के स्तंभ में। तो अगर हम लोग किसी भी पेड़ का स्तंभ काट देंगे, तना काट देंगे, तो क्या होगा, इसका अब लंबाई नहीं बढ़ेगा, इसके पार्श्व जो एरिया है, पार्श्व लैटरल सरफेस एरिया, उस एरिया में, पार्श्व एरिया में क्या, इसका तना निकलेगा, तो पार्श्व ये ग्रोथ करेगा लेकिन उसका हाइट अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका स्तंभ काट दिए, टिप ही काट दिए, तो इसमें अब बनेगा क्या ऑक्सिन, नहीं बनेगा। तो उसका तना का वृद्धि होगा क्या, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके चारों ओर बढ़ेगा। तो ये था ऑक्सिन, इसको उतार लीजिए। ये दूसरा पादप हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये संश्लेषित कहाँ होता है, टैप्टम में और प्लास्टिड में। अब ये टैप्टम क्या है और प्लास्टिड क्या है, तो टैप्टम एंथर के इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं। एंथर के इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, टैपिटम, पिरामिडल शेप का होता है और ये फूड स्टोर करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। इसके बारे में 12th में पढ़ना है। प्लास्टिड्स ये 9th में पढ़े होंगे आप लोग। प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है प्लास्टिड्स। तो जिब्रेलिन का संश्लेषित मतलब जिब्रेलिन बनता कहाँ है, तो टैपिटम और प्लास्टिड में, ये दो जगह पे बनता है। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड है। ये क्या क्या करता है, तो कोशिका में विभाजन करता है। कोशिका में विभाजन कहने का मतलब एक कोशिका से दो कोशिका, कोशिका में विभाजन करवाता है। फिर ये क्या करता है, कोशिका का दीर्घन मतलब उसके साइज को बड़ा करता है, कोशिका के साइज को बड़ा करता है। जब कोशिका में विभाजन होगा और दीर्घन होगा तो जाहिर सी बात है तना, जिस चीज़ जिसका भी कोशिका है उसका साइज बढ़ेगा। अगर ये तना में पाया जाएगा तो तना का साइज बढ़ाएगा। और ये क्या करता है, तो ये बृहत आकार के फल फूल का उत्पादन करता है। बृहत आकार कहने का मतलब फल के साइज को बड़ा करेगा, फूल के साइज को बड़ा करेगा। तो मतलब किसी भी फल के साइज को बढ़ाना है या सब्जी का ही साइज बड़ा करना है। अभी मार्केट में देखते भी होंगे कभी कोई कोई सब्जी नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो वो किसके मदद से किया जाता है, जिब्रेलिन के मदद से।
उसके अलावा जिब्रेलिन क्या करता है, तो बीज रहित फल का उत्पादन करता है, वैसे फल को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है या बनने में मदद करता है जिसमें बीज नहीं है, उसको बोलते हैं बीज रहित फल। अगर इसका तुलना किया जाए पिछले वाले हार्मोन्स ऑक्सिन से, तो लगभग लगभग ऑक्सिन का ये सारा काम करता है, वो भी कोशिका में विभाजन कर रहा था, उसका दीर्घन कर रहा था, बीज रहित फल बना रहा था। इनफैक्ट ये ऑक्सिन से एक काम ज़्यादा करके दे रहा है, फल और फूल का साइज बढ़ाता है। तो ये रहा, ये है हमारा तीसरा हार्मोन, पादप का तीसरा हार्मोन जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ये बनता कहाँ है, संश्लेषित कहाँ होता है, तो संश्लेषित होता है ये जर्मे और बीजों के भ्रूण कोष में, मतलब एंडोस्पर्म ऑफ सीड। अब ये क्या होता है एंडोस्पर्म ऑफ सीड, तो ये बीज का वह भाग होता है जिसमें खाना जमा रहता है, मतलब बीज का वह भाग जिसमें खाना जमा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोस्पर्म ऑफ सीड, हिंदी में उसी को बोलते हैं बीज का भ्रूण कोष। साइटोकाइनिन इस दो जगह पे बना। अब ये क्या क्या काम करता है, तो ये कोशिका द्रव्य का विभाजन करता है। किसका विभाजन करता है, कोशिका द्रव्य का। बाकी जो दो हम लोग पढ़े थे वो कोशिका का विभाजन कर रहा था, ये किसका करता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसको कहते हैं पता होगा, कोशिका द्रव्य एक कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है जीवित होता है वो, जिसमें सारा जितना भी कोशिका के अंदर ऑर्गेन सेल ऑर्गेनल होते हैं सब उसमें घसा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियस को छोड़कर कोशिका में जितना भी चीज़ होता है सबके सब को हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो उसी का ये विभाजन करता है, फिर जीर्णता को रोकता है। जीर्णता को रोकने का मतलब हुआ उसमें बुढ़ापा नहीं आने देता है, एजिंग उसका स्लो कर देता है। ठीक है, पर्णहरित को ज़्यादा जल्दी नष्ट होने नहीं देता। पर्णहरित बोलते हैं क्लोरोफिल को, जिसके वजह से पत्ता हरा रहता है, तो पर्णहरित को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है, मतलब पत्ते को ज़्यादा समय तक हरा करके रखता है, कौन, साइटोकाइनिन। अब हम लोग देखेंगे एब्सेसिस एसिड। एब्सेसिस एसिड को बोला जाता है वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन कहने का मतलब वैसा हार्मोन जो वृद्धि को अवरोध करता हो, उसको अपोज करता हो। अब वृद्धि रोधक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जितना भी वृद्धि का काम होता है पादप में, जितना भी, उसको ये अवरोध करता है, इसीलिए इसको वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। जैसे ऑक्सिन जिब्रेलिन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उसके काम को ये उलट देता है। जैसे ऑक्सिन जिब्रेलिन क्या करता था, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन, मतलब कोशिका में विभाजन और कोशिका में दीर्घन, वो इस काम को रोकता है। एब्सेसिस एसिड क्या करेगा, रोकेगा। ऑक्सिन जिब्रेलिन उसको बढ़ावा देता है और एब्सेसिस एसिड उसको रोकता है। इसके अलावा जिब्रेलिन क्या करता था, फल के आकार को बड़ा करता था, एब्सेसिस एसिड क्या करेगा, उसके आकार को छोटा कर देगा, बड़ा नहीं होने देगा। ठीक, अब एब्सेसिस एसिड और क्या करता है, तो पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायता करता है, मतलब पत्ता को मुरझाना, पत्ता मुरझाते हुए टूटते हुए आप लोग देखे होइएगा, किसके वजह से होता है, एब्सेसिस एसिड के वजह से। कली का वृद्धि में रोकता है, फूल का जो कली खिलता है उसके वृद्धि को क्या करता है, ये रोकता है। बीज के अंकुरण को भी रोकता है, बीज उसमें से अंकुर निकलता है, फिर वो नया पादप बनता है, पेड़ बनता है, उस प्रक्रिया को भी एब्सेसिस एसिड क्या करता है, रोकता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन, क्योंकि ये वृद्धि का अवरोध करता है। अब हम लोग का ये लास्ट है इथाइलीन। इथाइलीन पादप हार्मोन है, फल को जो पकाता है, हाँ वही वाला। अब देखो ये संश्लेषण इसका कहाँ होता है, संश्लेषण मतलब बनता कहाँ है, तो तना के अग्रभाग में। इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तना के अग्रभाग में। अब तना का अग्रभाग कहने का मतलब, जैसे ये तना है तो इसका अग्रभाग हो गया ये आगे वाला पोर्शन, तो तना के आगे वाले पोर्शन में ये बनता है। अब करता क्या है, तो ये फल को पकाता है। नेचुरली ये किस रूप में एग्जिस्ट करता है, तो ये गैस के रूप में पाया जाता है, और वैसे पौधे में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उगता है, वैसे पौधे में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में उगता है।
प्रतिकूल परिस्थिति कहने का मतलब या तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, मतलब नॉर्मल से अलग, उसको हम लोग प्रतिकूल स्थिति बोलते हैं। तो ये उस पौधे में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, फल को पकाता है। अभी जैसे आम का मौसम है तो अभी हम लोग उसको पकाने के लिए भी रसायन का यूज़ करते हैं, तो ये इथाइलीन ही होता है जिसके मदद से हम लोग आम को पकाते हैं, ठीक है। तो ये आम को पकाने वाला हार्मोन, किसी भी फल को पकाने के लिए हम लोग इथाइलीन का इस्तेमाल करते हैं।